हेलो स्टूडेंट <laughs> फिर आ गया हूं हीट और टेम्परेचर के नेक्स्ट एपिसोड के साथ पिछली एपिसोड में हमने चर्चा किया था और कुछ क्वेश्चन भी छोड़ दिया था आपके लिए याद है वो क्वेश्चन क्या था द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर इज ए मैटर ऑफ कंसर्न क्यों भाई क्यों क्यों सीरियस बात है भाई क्यों चिंताजनक बात है <laughs> तो मैंने बताया था ना कि मरकड़ी क्या है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है मरकड़ी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसका यूज हम लोग कहां करते हैं या तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में या लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और सपोज करो वो तो ग्लास ट्यूब में है जनरली आए दिन तुम घरों में देखो कि बोला जो है अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर फूट जाया करता है और कैसे फूटा झटका जर्क देते समय सारा मरकरी बिखर गया फर्श पे अब ये पॉसिबिलिटी तो बनती है ना कि ये मरकड़ी का मिक्सिंग हो सके हो सकता है पानी में मिक्स कर जाए हो सकता है फूड आइटम में हमारा मिक्स कर जाए और फिर हमारे शरीर के अंदर जाएगा ना और जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा ये हार्म पैदा करेगा इसलिए मड़कड़ी का यूज तो हम लोग करते हैं उसकी खासियत की वजह से लेकिन फिर वे दिस इज द यूज ऑफ मरकड़ी मैटर ऑफ कंसर्न बस इसी दिमाग में याद रखना है, इसी बात को दिमाग में रखना है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं और जहां भी इसका यूज होता है वो ग्लास ट्यूब में और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है इसके बिखरने की टूटने की और कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर की चलिए आगे बढ़ते हैं आइए वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर अरे भाई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है तो वो पॉसिबिलिटीज क्या है सर वो पॉसिबिलिटीज है हमारा कंडक्शन दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है हमारा कन्वेक्शन और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है रेडिएशन ये तीनों विधि से हीट का ट्रांसफर होता है और मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूं ये मैं यही दिखाने का काम किया है कि देखो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो भाई हीट का ट्रांसफर कैसे होगा तो सॉलिड्स में कन्वेक्शन की बात करते हैं तो एयर एंड वाटर प्लूट्स एयर वाटर और रेडिएशन इसके लिए मीडियम की जरूरत तो है ही नहीं नो no मीडियम इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है तो आप देखो अगर हमने एक पैन को बर्नर पे रखा तो पानी गर्म हो रहा है ना जैसे ही हीट मिला इसकी बढ़ गई ना ये कन आप जो दूर दूर, दूर तक मूव करना शुरू कर दिया तो देख रहे हो पानी के कन मूव करना कर रहे हैं ना जो पानी गर्म हो गया वो ऊपर आ रहा है और ऊपर का ठंडा पानी कहा जा रहा है नीचे की ओर जा रहा है देख लो तो ये विधि क्या कहलाएगी सर ये विधि कहलाएगी कन्वेक्शन अब इस पैन को गर्म करने पे हमारा हैंडल भी तो गर्म हो जाएगा ना तो अगर ये मेटल बॉडी का बना रहेगा तो ये पॉसिबल है पकड़ना इसको बेयर हैंड से खुले हाथ से पकड़ना संभव है क्योंकि तो आपके हाथ के जल जाने की पॉसिबिलिटीज है लेकिन हम इसका हैंडल किस चीज का रखते हैं भाई चाहे वुड हो चाहे प्लास्टिक हो और वो इसलिए रखते हैं कि वो बैड कंडक्टर है लेकिन अगर आप इसके पैन के बर्तन को छूने का काम करते हो इसके सॉलिड बॉडी को छूने का काम करते हो तो आपका हाथ जल जाएगा तो इस सॉलिड बॉडी में जो हीट का फ्लो हुआ वो क्या कहलाएगा सर वो कहलाएगा कंडक्शन और अगर आप पैन के पास बैठे हो और वो गर्म हो गया तो आपको गर्मी महसूस होती है ना गर्मी महसूस होती है तो वो क्या है सर हीट का जो फ्लो हो रहा है दिस इज रेडिएशन तो हमने एक एक्सपेरिमेंट में तीनों को दिखाने का काम किया कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आइए हम बात करते हैं कंडक्शन की पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ट कंडक्शन बिकम फास्ट मतलब दो कनों के बीच की इंटरमोलेक्कुलर स्पेस अगर मिनिमम है तो वस्तु का जो रेट ऑफ हीटिंग है वो क्या होगा हाई होगा और इंटरमोलेक्कुलर स्पेस अगर बड़ा होगा तो देर से गर्म होगा गर्म तो होगा तो मैंने क्या लिखा क्लोजली तो पैक्ट है तो कंडक्शन बिकम्स फास्टर। वेन हीट फ्लोज थ्रू ए मेटेरियल इजीली जैसे आप मैंने तो एग्जाम्पल लिया कॉपर एल्यूमिनियम। ये सब क्या है सर दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर जिससे हीट का फ्लो नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे प्लास्टिक और उड बोलेंगे सवाल है भाई कंडक्टर्स में क्यों हीट का फ्लो हुआ यह भी तो इंटरमोलेक्कुलर स्पेस भी कम इसमें भी तो है तो सॉलिड है ना फिर इंसुलेटर में क्यों नहीं हीट का फ्लो हुआ ये भी तो सॉलिड है आपने कहा ना कि कंडक्टर जो कंडक्शन होता है वो किसमें होता है सॉलिड में तो केवल कंडक्टर्स में क्यों होगा इंसुलेटर्स में क्यों नहीं होगा भाई इसलिए नहीं होगा कि उस हीट को ट्रांसमिट करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है बाउंडेड हैं वो जकड़े हुए हैं और अपना कंडक्टर्स जो रखे हुए हैं वो लूज इलेक्ट्रॉन्स को रखे हुए हैं जो आसानी से हीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं आइए कुकिंग यूटेंसिल्स है एलुमिनियम अभी आप लोग देख रहे हो जो बर्तन सब रहा है जो आपका पैन सवार है इसका नीचे वाला क्या है सर पेंट किया हुआ ये कॉपर का क्यों भाई हम तो रख सकते थे ना स्टील भी रख सकते थे एलुमिनियम भी रख सकते थे कॉपर ही क्यों रखा है यहाँ पे यह कॉपर का पेंट क्यों है इसका बॉटम में अरे इसलिए है कि ये बेटर कंडक्टर है किसके बनिस्पत स्टील और एलुमिनियम के बनिस्पत ये बेटर कंडक्टर है इसलिए हमारा यूटेंसिल्स जो है कुकिंग वेयर्स जो है उसके नीचे जो हम क्या रखते हैं कॉपर का पेंट रखते हैं कॉपर बॉडीज रखते हैं ऑफ़ ऑफ़ यूटेंसिल्स मेड और प्लास्टिक कंडक्टर ऑफ़ सही बात है आप देख लो अभी मैं पैन की बात कर रहा था तो पैन का हैंडल किस चीज का बना था या तो उड का या तो प्लास्टिक का और उसकी वजह क्या है दीज आर द इंसुलेटर्स आइए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम की बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग देख रहे हो यह कॉपर है और यह एल्युमिनियम रॉड है ये कॉपर रॉड है और यह एल्युमिनियम रॉड है और हमने ढेर सारा नेल को चिपका रखा है इस कॉपर रॉड पे भी और एल्यूमिनियम रॉड पे भी विद द हेल्प ऑफ वैक्स इसकी सहायता से हमने चिपका के रखा है अब हम दोनों को हीट रॉड को हीट कर रहे हैं क्या देख रहे ये दोनों में क्या ऑब्जर्व किया तुम देखो तो पहला नेल ऑलरेडी गिर चुका है नहीं दूसरा नेल भी गिर चुका है तीसरा नेल अब गिरने को है लेकिन एल्यूमिनियम में सिर्फ एक ही नेल गिरा है कॉन्टैक्ट से और दूसरा गिरने पे। इसका मतलब नेल फॉल डाउन किस रेट से हो रहा है हो रहा है ज्यादा कॉपर रोड में इसकी वजह क्या है क्यों कॉपर रोड में ज्यादा नेल गिर रहे हैं जो चिपकाए हुए थे वैक्स की सहायता से वही कॉपर बेटर कंडक्टर है यह हीट का फ्लो फास्टली कर रहा है रैपिड वे में कर रहा है विथ कंपेयर्ड टू एलुमिनियम रॉड इसके नेल्स तेजी से गिर रहे तो आपने देखा ना कि अगर कंपेरिजन की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कॉपर इज मच मोर बेटर कंडक्टर देन एलुमिनियम इज इट क्लियर एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर्स पहला क्या है टू थी ब्लैंकेट आर वार्मर ब्लैंकेट भाई भयानक ठंड पड़ रही है याद करो भयानक ठंड पड़ रही है आपको दो उलन ब्लैंकेट दिए गए हैं। और दूसरे लड़के को एक सिंगल मोटा ऐसा ब्लैंकेट दिया गया लेकिन सिंगल ब्लैंकेट कौन सेफ है भाई ठंड से बचाव करने में कौन सेफ है दो टू ब्लैंकेट का यूज कर रहा है क्यों अरे भाई एक ब्लैंकेट और ये दूसरा ब्लैंकेट तो इसके बीच में जो एयर है, है ये इंसुलेटर का, का काम करता है ये क्या करता है काम इंसुलेटर के हीट के फ्लो को रोकता है इससे हम क्या महसूस करते हैं गर्माहट महसूस करते हैं इसलिए इट इज सेफा बाय यूजिंग टू थिन उलन ब्लैंकेट देन वन थिक उलन ब्लैंकेट दूसरा गैप बिटवीन डबल वॉल्स ऑफ आइस बॉक्स इज फिल्ड विद ग्लास उल या फाइबर ग्लास आप देखते हो आइस बॉक्स में और भाई टेम्परेचर के फ्लो को रोकोगे तब ना आ नहीं तो सारा आइस पिघल जाएगा फिर फायदा क्या होगा आइस बॉक्स रखने से आपके सारे आइसक्रीम तो पिघल जाएंगे ना क्या फायदा हुआ आइस बॉक्स रखने से तो आइस बॉक्स के दीवार में जो आइस बॉक्स हम लोग बनाते हैं इसके दीवार में क्या भरा जाता है भाई ग्लास उल इसमें क्या भर देते हैं ग्लास उल या फाइवर ग्लास वजह यह भी इंसुलेटर का, का काम करता है और हीट के फ्लो को चेक करता है जब हीट का फ्लो चेक हो गया तो हमारा आइस का ब्लॉक क्या है उसी कंडीशन में रहेगा नहीं पिघलेगा मिनिमम मेल्टिंग देखा देखा जाएगा तो देखा आपने कि अगर आइस बॉक्स के दीवार के बीच में हम ग्लास उल रखते हैं कोई इंसुलेटर सब्सटेंस को रखते हैं तो हीट हमारा एक्सचेंज क्या हो जाता है मिनिमम एक्सचेंज ऑफ हीट तीसरा

नष्ट होने से बचाना है यही वजह है कि बॉयलर से जो पाइप आते हैं दीज आर कवर्ड बीज एस एंड ग्लास उल आइए कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स सही बात है ड्यू टू कंडक्टर्स मेटल क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे कुकिंग वेसल्स का इस्तेमाल करेंगे हमारा जितना भी बर्तन है खाना बनाने का सब क्या है सर सब मेटल बॉडी ही तो है और ये मेटल बॉडी इसलिए है क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स है मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर मैंने बताया ना कि मरकरी जो है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन करता है तब हीट सप्लाई को करते हैं और ये छोटे से टेम्परेचर को भी मेजर करने का काम करता है तो ये भी मरकरी हमारा क्या हो गया कंडक्टर्स कंडक्टर्स हमारा क्या हो गया ऑटोमोबाइल रेडिएशन यूज ट्यूब मेड ऑफ कॉपर मैंने अभी कंपैरिजन किया ना कॉपर और एल्यूमिनियम में और हमने क्या पाया कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन एल्युमिनियम और सोल्डर टिप भी किसका बना होता है कॉपर का जिसको जोड़ने का काम का, सोल्डिंग करने का काम करते हैं उसके टिप को क्या रखा जाता है कॉपर का रखा जाता है अब आइए मैंने बात किया था कंडक्शन का और दूसरा हीट फ्लो का है कन्वेक्शन इसमें मैंने क्या कहा था ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है लिक्विड एंड गैसेस का द प्रोसेस ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड इन फ्लूड लिक्विड और गैसे पर जो हीट का ट्रांसफर होता है उसके प्रोसेस क्या बोलते हैं कन्वेक्शन और किसके थ्रू होता है बाय मींस ऑफ कन्वेक्शन करेंट अरे के बारे में सुना है जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है हमारा जमीन गर्म होता है और जमीन के कांटेक्ट में जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो कहां चली जाती है ऊपर की ओर और ऊपर से ठंडी हवा क्या होती है नीचे की ओर आती है इस तरह से एक साइकिल बन जाता है इसी को तो बोलते हैं कन्वेक्शन करेंट पानी को जब गर्म करते हो तो नीचे का गर्म पानी कहा, कहा जाता है ऊपर की ओर और ऊपर का ठंडा पानी कहा जाता है नीचे की ओर दौड़ता है एक साइकिल बनता है ना यही तो है कन्वेक्शन करेंट्स इसमें मीडियम जरूरी है भाई मैंने कहा ना कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम जरूरी है और पार्टिकल्स के कर मूव करते हैं देख लीजिए ना एक फ्लास्क में पानी को गर्म अगर कलर वाटर है दिस इज कलर्ड वाटर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा और वो कलर क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं जब उसको गर्म किया पोटेशियम पर का कुछ कण डाल दो इसमें पूरा क्या हो जाएगा रंगीन हो जाएगा अब जब हम गर्म करते हैं तो आराम से दिखाई देता है कि ये जो कलर्ड वाटर इसका फ्लो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है यही तो है सर यही तो है कन्वेक्शन करंट को दिखाने का बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया ये बर्नर हो गया त्रिपाद हो गया जो स्टैंड है ये वायर हो गया जिसपे हम रखेंगे ये कन देख रहे हो दिस इज पोटेशियम पर और ये मूवमेंट ऑफ कलर्ड देखो ये कलर्ड वाटर का मूवमेंट हो रहा और ये एक फ्लास्क है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एप्लीकेशन अरे आपके घरों में वेंटिलेशन होता है कि नहीं वेंटिलेशन समझते हो रूप रूप से सटा हुआ जो एयर एक्सचेंज के लिए छोड़ा जाता है जगह एम्ब्रॉयडरी किया हुआ छेद होल्स बना हुआ जो स्पेस छोड़ा जाता है जो रूप से सटा हुआ होता है कभी सोचा उसका इंपोर्टेंस क्या है अरे भाई तुम्हारे रूम में दस लोग बीस लोग बैठे हुए हैं तो उनकी गर्म सांसें जो निकल रही हैं वो तो रूम में ही रोल करेगा ना आप तुम तो जानते हो तू जो एक्सहेल करते हो उसका क्या होता है टेम्परेचर बड़ा होता है आय होता है, वो कहा जाएगा ऊपर की ओर और ऊपर से कहा चला जाएगा वेंटिलेशन के थ्रू बाहर हो जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए बाहर से चाहे तुम्हारा विंडोज चाहे तुम्हारा डोर्स उससे हवा भीतर की ओर दौड़ जाएगी देखा तुमने नेचुरली क्या हो रहा है एक एक्सचेंज हो रहा है ना एक्सचेंज ऑफ एयर भाई इसलिए घरों में वेंटिलेशन का रहना बहुत जरूरी है उसकी वजह क्या है कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर हवा का हमेशा एक्सचेंज होता रहे क्योंकि आपको फ्रेश ब्रीदिंग चाहिए दूसरा सी और लैंड ब्रिज आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट सी ब्रिज या लैंड ब्रिज समझते हो? अरे दिन <laughs> में जब जमीन गर्म हो जाएगी तो हवा गर्म हवा कहां चली जाती है ऊपर की ओर तो हवा का दबाव घट जाएगा ना तो इस स्पेस को भरने के लिए दिन में समुद्र से ठंडी हवा दौड़ पड़ती है तुम कह भाई सर समुद्र की हवा ठंडी क्यों है तो आपको तो पता होना चाहिए पानी देर से गर्म भी होता है और देर से ठंडा भी होता है तो ढेर सारी हवा दौड़ पड़ेगी ये क्या कहलाएगा दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज ये क्या कहलाएगा और ये हमेशा सी ब्रिज कब होता है सर याद रखिएगा सी ब्रिज की घटनाएं कब होती है डे टाइम में और लैंड ब्रिज लैंड ब्रिज कब होगा सर तो आपको तो पता है ना पानी अगर देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी होता है और जमीन तो सूर्यास्त के बाद सनसेट के बाद तो जमीन ठंडी हो जाती है तेजी से लेकिन समुद्र का पानी तो गर्म है तो उस खाली जगह को भरने के लिए रात में जमीन से हवा दौड़ पड़ती है किधर समुद्र की ओर और इसी को हम लोग नाम देते हैं लैंड ब्रिज और ये जब भी होगा नाइट में रात में होगा तो देखा आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है स्मोक एंड हॉट गैसेस स्केप थ्रू टॉल चिमनीज़ ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी जो चिमनी दी जाती है उसकी वजह क्या है आप जितना सारा गैसेस जो प्रोड्यूस हो रहा है चिमनीज में फैक्ट्रीज में पावर थर्मल पावर प्लांट में वो सारे गैस चिमनीज के थ्रू कहां हो जाते हैं ऊपर चले जाते हैं और उसकी वजह क्या है ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट रेडिएशन आप देख लो रेडिएशन इन एबसेंस ऑफ मीडियम इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है और हीट का ट्रांसमिशन होगा और याद रखना जो भी हॉट बॉडीज हो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो गैस हो वो रेडिएट हीट इन ऑल डायरेक्शन आप किसी वस्तु को गर्म करो ना बल्ब को देखो ना पीला वाला बल्ब टंगस्टन वाला बल्ब जब जलता है तो क्या हो जाता है रूम में हीट का फ्लो होना शुरू हो जाता है चारों ओर सूर्य देख लो ओर अपनी गर्मी को बिखेर रहा है रेडिएशन को बिखेर रहा है आइए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं दो बाउल लेते हैं एक ब्लैक पेंटेड एक व्हाइट पेंटेड दोनों में क्या लगा हुआ है सर थर्मामीटर से लगा हुआ और आप उसको एक घंटे के लिए सनलाइट में डायरेक्टली छोड़ दो। उसके बाद दोनों का रीडिंग रेडि, देखो तो आपको क्या दिखाई देगा ब्लैक बॉल वाले थर्मामीटर का रीडिंग हाई होगा और व्हाइट बॉल वाले का लो होगा क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को क्या किया रिफ्लेक्ट कर दिया और ये ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को क्या किया Absorb कर लिया और जब एब्जॉर्ब किया इसका हीट का टेम्परेचर बढ़ गया इसका, इसका मेजरमेंट हाई है इसके बनिस्पत एप्लीकेशन देख लो कुकिंग

ब्लैक कलर क्लॉथ आर कंफर्टेबल इन विंटर ठंडे में हम काला कपड़ा क्यों पहनते हैं भाई ताकि ये रे ऑफ लाइट को एब्सॉर्व करके हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है देखा ब्लैक कलर्ड क्लॉथ व्हाइट ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोल एलपीजी को हम लोग व्हाइट कलर में क्यों रखते हैं अरे भाई अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो पेट्रोलियम है उसके कण जोर जोर से मूव करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ब्लास्ट होने का चांसेस है इसलिए उसके बॉडीज को क्या रखा जाता है व्हाइट पेंटेड रखा जाता है और समर में कूल रखने का काम करता है व्हाइट वॉस्ट बिल्डिंग जिसके घरों का व्हाइट वॉशिंग किया हुआ है व्हाइट कलर से तो वो लोग गर्मी में ठंडक महसूस करते हैं क्योंकि यू मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है आइए क्वेश्चन विंडो आपके लिए गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर अरे भाई मेटल इतना सारा है नाम दो तो ना अल्मोनियम कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब क्या है कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर वुड प्लास्टिक

क्लॉथ को यूज करते हो तो उसके बीच में एयर ट्रैप रहता है और एयर क्या है इंसुलेटर है इस तरह से आपके शरीर से हीट का फ्लो चेक हो जाता है और आपका शरीर गर्म रहता है चौथा क्वेश्चन मैचिंग है मैं फिर आपके लिए छोड़ रहा हूं आप भर इसको बनाने का प्रयास करो देखो कब कहां तक बन पाता है और नहीं तो हम तो आपके साथ हैं आपके डॉट्स को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं थैंक यू